हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये नहीं माने जाने तक आज से ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, पंचायत मुख्यालय पर देंगे धरना, सुमेरपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की 11 सूत्री मांगे नहीं माने जाने पर गुरुवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर उप शाखा अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारियों ने कलमबंद असहयोग आंदोलन को लेकर 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र वीडियो के नाम एएओ अशोक देवड़ा को ज्ञापन दिया। उप शाखा अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 वर्षों से लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रखकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं माने जाने व उपेक्षात्मक एवं दमनकारी रवैया से त्रस्त होकर संघ ने आंदोलन को और तेज गति देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत शुक्रवार से समस्त ग्राम विकास अधिकारी कलमबंद असहयोग आंदोलन के तहत मांगे नहीं माने जाने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उप शाखा मंत्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस दौरान पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे व प्रशासन गांवों के संघ अभियान सहित सरकार के किसी भी गतिविधि एवं कार्यों में भाग नहीं लेंगे एवं शासन एवं सरकार को पूर्ण असहयोग करेंगे। ज्ञापन देते समय संघ जिला प्रतिनिधि जबर सिंह सोनीगरा, निम्बाराम मीणा, जालम सिंह, बालूराम माली, भरत सिंह परमार, नरेंद्र चौधरी, जुगल किशोर, मांगी लाल, जोगाराम रोहिण, हीराराम देवासी, गणेश सिंह, कुकार राम, उमेदाराम विश्रोही, मुकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, चेतन रावल आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।